नमस्कार, स्वागत है आपको हमारे YouTube चैनल में। आज मैं बची हुई रोटी से बहुत ही टेस्टी और हेल्दी रेसिपी शेयर करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं इस रेसिपी को। यहाँ रोटी ले लिए, बची हुई रात का रोटी है, ऐसे हम छोटे छोटे टुकड़े में तोड़ लेंगे। इस तरह से आप छोटे छोटे टुकड़े रोटी को तोड़ लें। उसके बाद इसे डालेंगे मिक्सर ग्राइंडर के जार में। चलिए इसे डाल देते हैं मिक्सर ग्राइंडर के जार में। ऐसे दरदरा पीस लेंगे, जैसे कि ब्रेड क्रम्स होते हैं ना, सेम उसी तरह से पीस लेते हैं इसे। पीस लेते हैं, पीस के ले आए हूँ। इसे निकालते हैं एक बर्तन में। अब चढ़ा लेते हैं गैस पे कढ़ाई। इसमें एक बड़ी चम्मच डालेंगे घी। घी में कुछ ड्राई फ्रूट्स फ्राई कर लेंगे, जैसे कि काजू ले लिए और पिस्ता बादाम ले लिए। इसे थोड़ा सा सुनहरा होने तक भूंज लेते हैं। कलर इसका चेंज हो गया, अब इसे निकाल लेंगे और इसे ठंडा होने देंगे। फिर इसे पीस लेंगे दरदरा, लेकिन अभी इसे ठंडा होने देते हैं। ठंडा होने देते हैं इसे, तब तक हम कढ़ाई में घी बचा था ना, उसी में रोटी का जो बनाए थे क्रम्स, मतलब दरदरा पीसे थे, वो डाल देते हैं। देख सकते हैं यहाँ कलर चेंज हो गया है। इसमें फ्लेवर के लिए इलायची पाउडर डालेंगे। ऐसे थोड़ी देर और चलाएंगे, रोटी का क्रम्स में कलर चेंज हो गया है। तब तक इसे पीस लेते हैं, ठंडा भी हो गया है। दरदरा पीस लें। चलिए रोटी के क्रम्स में मिला देंगे इसे। ये रेसिपी बहुत ही टेस्टी और हेल्दी होता है, एक बार ज़रूर ट्राई करें। अगर आपके पास बची हुई रोटी नहीं है, फिर भी आप ताज़ी बची हुई रोटी से बना सकते हैं। लेकिन हाँ, रोटी थोड़ा ठंडी होनी चाहिए, तभी आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। इसे निकाल लेते हैं एक बर्तन में। कढ़ाई में फिर थोड़ा सा आधा चम्मच के करीब घी डालेंगे और 100 ग्राम के करीब यहाँ गुड़ डाल देते हैं। रोटी के हिसाब से कम ज़्यादा गुड़ को कर सकते हैं। अब इसे सॉफ्ट होने देते हैं गुड़ को। इसके लिए ढक देंगे। आप चाहे तो इस गुड़ को कद्दूकस कर डाल सकते हैं तो जल्दी हो जाएगा, लेकिन हम इसी तरह डालें। और देखिए गुड़ सॉफ्ट हो चुका है। इसे और थोड़ा मतलब गला लेते हैं गुड़ को। सारा इसमें लम्स है वो फूट चुका है, देख सकते हैं। अब इसे और थोड़ी देर पका लेते हैं। इसे प्रॉपर चलाते रहें, नहीं तो क्या होगा कि गुड़ जल जाएगा तो रेसिपी में अच्छा टेस्ट नहीं आएगा। अब इसमें डाल देते हैं जो रोटी का जो क्रम्स भूंज के रखे थे वो डाल दिए इसमें। अब गुड़ और रोटी का क्रम्स दोनों को अच्छी तरह से मिला लेते हैं, ताकि क्रम्स में अच्छी तरह से कोट हो जाए गुड़। अगर आपको सूखा सूखा लग रहा है तो थोड़ा इस वक्त हल्का घी और डाल सकते हैं। देख सकते हैं अब रेडी हो गया है। अब इसे हल्का ठंडा होने देंगे। इसे ठंडा होने देते हैं, हल्का, पूरा ठंडा नहीं होने देंगे, नहीं तो फिर लड्डू बनेंगे नहीं। अगर आपको सूखा सूखा लगे तो आप इसमें थोड़ा घी और डाल सकते हैं।
हाथों में घी लगा लेंगे और इस तरह से कर लेंगे। अभी मतलब कि थोड़ा पूरा ठंडा हुआ नहीं है, हल्का गर्म है, गरम गरम में ही बांधे, नहीं तो फिर बंधेगा नहीं। इस तरह से अपना हाथों की मदद से दबाते हुए, दोनों हाथों की मदद से आप इस तरह से लड्डू तैयार कर सकते हैं। देख सकते हैं इस तरह से तैयार कर लेंगे। एक और दिखाते हैं, अगर आपको ठंडा हो गया बहुत ज़्यादा रोटी का क्रम्स जो बनाया है, तो इसे एक बार गैस पे और चढ़ा लें और थोड़ा घी मिला लें, फिर लड्डू को बनाएं। इसी तरह से सारे लड्डू तैयार कर लेंगे। बहुत टेस्टी ये लड्डू बनते हैं, एक बार ट्राई ज़रूर कीजिएगा। और साथ में हेल्दी भी होते हैं, क्योंकि ये तो मैदा का नहीं है, ये है आटे का। मेरा ये रोटी था गेहूं के आटे और इसमें साथ में मिला हुआ था मक्के के आटा, दोनों मिक्स का ये रोटी था, इसलिए ये अधिक ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा खाने में। इस तरह डेकोरेट कर देते हैं, आप इसे फ्रिज में रख के एक सप्ताह तक खा सकते हैं। देखिए कितना खूबसूरत, कितना टेस्टी लग रहा है। अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें, इसी तरह के वीडियो लाते रहेंगे। तब तक आपसे लेते हैं विदा, बाय बाय।